भारतीय नौसेना और एनसीबी ने एक संयुक्त अभियान में समुद्र से ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की है। गुजरात तट के पास से एक ईरानी नौका से 5 तस्करों को पकड़ा गया। तस्करों के कब्जे से 3300 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए। बता दें कि भारतीय नौसेना, एनसीबी और गुजरात के आतंकवादी रोधी दस्ते ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ अरब सागर में एक संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान एक ईरानी नौका को रोककर उसके चालक दल के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया। अधिकारियों को संदेह है कि यह लोग ईरान और पाकिस्तान से हो सकते हैं। और इसी दिशा में देश में ड्रग्स की सबसे बड़ी ऑफशोर सीजर के रूप में इस ऑपरेशन में सफलता मिली है। ये देश का सबसे बड़ा ऑफशोर सीजर है। इसमें एनसीबी, नेवी और एटीएस गुजरात पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में इंडियन ओशन से लगभग 3300 किलो ड्रग्स की बरामदगी हुई है। मात्रा और रिकॉर्ड के अनुसार यह देश का उच्चतम ऑफशोर सीजर है, जिसमें चरस और हशीश की सबसे अधिक मात्रा जब्त की गई है। इस प्रकरण में 5 संदिग्ध विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इनका संबंध पाकिस्तान से होना संदेह के घेरे में पाया जा रहा है। आज सुबह ही केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने एनसीबी, नेवी और एटीएस गुजरात को इस अभूतपूर्व सफलता पर बधाई दी है।